दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं मसाला चाय कैसे बनाते हैं। इंडियन मसाला चाय बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए देखते हैं मसाला चाय बनाने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। सबसे पहले हमने लिया है 1 कप पानी, 1 कप गरम दूध, 1 टेबलस्पून चाय पाउडर, 1 टेबलस्पून शक्कर। जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या जो ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते वो शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 पिंच सिनेमन यानी दालचीनी पाउडर, 4 से 5 लौंग यानी कि क्लोव और 1 पिंच कार्डमम पाउडर यानी इलायची पाउडर। तो दोस्तों देखते हैं कि मसाला चाय कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करके गैस पर पतीली रख देंगे और उसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, हम यहाँ 2 कप चाय बनाने वाले हैं, इसलिए हमने पानी और गरम दूध का प्रमाण 50-50% लिया है। अगर आप ज़्यादा चाय बनाना चाहते हैं तो आपको चाय और दूध 50-50 प्रोपोर्शन में लेना चाहिए। हम पानी ऐड करेंगे और पानी में लौंग डाल देंगे। लौंग के काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बेसिकली लौंग हेल्प्स इन द स्टिमुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टूथ पेन टेम्पररीली। फिर हम डालेंगे सिनेमन पाउडर। सिनेमन भी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, इट प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड इट हेल्प्स फाइट डायबिटीज। जो लोग मोटापे के शिकार हैं वो सुबह सुबह गुनगुने पानी में सिनेमन डालकर पीना पसंद करते हैं, लेकिन सिनेमन इज़ अ वेरी हॉट स्पाइस तो वो काफ़ी गर्म पड़ सकता है, तो इसलिए हम उसे चाय में डालकर भी पी सकते हैं तो हमें सेम बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसके बाद हम अदरक को कस के पानी में डालेंगे। अदरक के भी काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। जिंजर बेसिकली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग नौसिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, मोशन सिकनेस। जिन जिनको वॉमिटिंग सेंसेशन होता है या जिनको भूख नहीं लगती उन्हें जिंजर का इस्तेमाल अक्सर अपने खान पान में करना चाहिए। ये 3 स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम पानी को चलाते रहेंगे, गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे और लगभग 1 से 2 मिनट तक हमें चाय को ऐसे ही चलाना है ताकि सारे फ्लेवर्स पानी में अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएं। जैसे ही आप चाय को चलाएंगे आपको अदरक की खुशबू आने लगेगी, इसका मतलब है अपने सारे फ्लेवर्स अच्छे से पानी में मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चाय पाउडर। दोस्तों हमने यहाँ कोई भी फ्लेवर टी नहीं ली है, अगर आप फ्लेवर टी लेके आओगे और उसमें ये सारे मसाले ऐड करोगे तो आपकी चाय ज़्यादा स्पाइसी हो सकती है या ज़्यादा फ्लेवरेबल हो सकती है और आपको वो चाय पीने में मज़ा नहीं आएगा। तो आप कोई भी फ्लेवर टी इस्तेमाल न करें, आप प्लेन चाय जो बाज़ार में मिलती है वो ही इस्तेमाल करें, उसी से ही ये चाय अच्छी बनेगी। हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चाय पाउडर। दोस्तों चाय पाउडर में हमेशा एयर ट्रैप्ड होती है, तो आप जैसे ही चाय पाउडर डालोगे वो एयर बाहर एस्केप करने की कोशिश करेगी और चाय उबलकर ऊपर आ जाएगी। तो ध्यान रहे, जब भी आप चाय पाउडर ऐड करेंगे तब गैस को धीमा कर दें ताकि चाय उबलकर बाहर ना आ जाए। चाय को हमें इसी तरह 1 मिनट तक चलाते रहना है। गैस को मीडियम से लो फ्लेम पर रखेंगे और हम चाय को चलाते रहेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप गरम दूध। दोस्तों हमने यहाँ गरम दूध इसलिए लिया है क्योंकि ठंडा दूध हमेशा जब हम चाय में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ऑयली इमल्शंस या येलो बबल्स दिखाई देंगे, तो इसका मतलब है कि दूध ठंडा है। तो अगर आपको वैसे इमल्सिव बबल्स दिखना पसंद नहीं है तो आपको गरम दूध ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूध डालने के बाद हम चाय को इसी तरह चलाते रहेंगे और गैस को मीडियम से लो फ्लेम पर ही रखेंगे। कम से कम 1 से 2 मिनट चलाने के बाद हम इसमें कार्डमम यानी इलायची पाउडर डालेंगे। दोस्तों कार्डमम ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डाइजेशन प्रॉब्लम्स।
It also helps in irritable bowel syndrome and constipation. तो cardamom के भी health benefits काफ़ी सारे हैं. Cardamom हमेशा हम end में add करेंगे क्योंकि cardamom का flavor अच्छे से उभर आएगा. अगर आप ginger के साथ cardamom शुरुआत में ही डालेंगे तो दोनों के फ्लेवर मिक्स हो जाएंगे और आपको कार्डमम का फ्लेवर आप एंजॉय नहीं कर सकेंगे. इसलिए याद रखें कि कार्डमम को हमेशा एंड में ही हमें डालना है. कार्डमम पाउडर डालने के बाद भी हम चाय को इसी तरह चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर और लो बन गई अपनी मसाला चाय. हम चाय को छन्नी से फिल्टर करके कप में उतारेंगे और अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें हम शक्कर या शुगर फ्री डालकर पी लेंगे. चाय को बिस्किट या टोस्ट के साथ भी पिया जा सकता है या साथ में पकौड़े हो तो इसका मज़ा और भी दुगना हो जाता है. तो दोस्तों अब आप एंजॉय कीजिए इंडियन मसाला चाय. अपनी चाय अब रेडी है तो घर में चाय बनाइए और आपके दोस्तों को सर्व कीजिए. और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.